जीमेल से इनबॉक्स को कैसे डिलीट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ईमेल जो है, हमारे पास 3 ईमेल है और मेरा एक ईमेल है, उसमें से सारे इनबॉक्स को डिलीट करना। माना कि मुझे यह ईमेल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मेरा वो क्लिक हो गया और यहाँ पर मैं लिखूँगा gmail.com। ओके, फिर इसे क्लिक करने के बाद इंटरप्रेस ले जाएंगे हम उसमें। खुल गया। अब देखिए हमारे पास इतने ऑप्शन हैं ईमेल के, क्योंकि इस ईमेल में है, अलग अलग ईमेल मेरे पास है। लेकिन जो मेरा पहला ईमेल है उस पर नहीं खुला हुआ है, तो मैं पहले अपना उस ईमेल पे जाऊंगा। माना कि मेरा ए ईमेल है, उस ईमेल में जाऊंगा। देखिए मेरे पास इतने ईमेल है ऑलरेडी, और इस ईमेल में इतने मैसेज हैं, 172 मैसेज हैं, और मुझे इसको सारे को एक साथ डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले या तो यहाँ पे चेक कर दीजिए, यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑल डिलीट हो जाएगा पूरा टोटल, और इसमें से कुछ छांटना है। इस माना कि मुझे इसको नहीं डिलीट करना है, बाकी सबको डिलीट करना है। और सारे को सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट बटन है, यहाँ पे इसे प्रेस कर देंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिए हमारे पास 124 मैसेज अभी भी हैं, लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा डिलीट करना हो तो हम डायरेक्ट इस पे चेक करेंगे, इसे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और एक भी नहीं बचेगा, और पूरा का पूरा यहाँ डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ पे डिलीट प्रेस कर देंगे। ये हमारा इतना लगभग 172 था, 76 हो गया, अभी भी बहुत ज़्यादा ईमेल है। फिर हम क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट हो गया, फिर हम प्रेस करेंगे डिलीट पे। देखिए 29 ईमेल बचा हुआ है। फिर अगर करना है, फिर जो बचा हुआ है उसको भी करना है, फिर प्रेस करिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिलीट। पूरा हमारा इनबॉक्स जो हुआ वो डिलीट हो गया। अब देख रहे हैं कोई भी मैसेज यहाँ पे इनबॉक्स में 0 मैसेज दिखा रहा है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है।